Morning students, myself Tandel Alpha. Today I am going to explain new topic in working with paint, like drawing the different shapes, flipping the picture, resize the picture, text tool, zooming the picture and save. Okay, first of all I'm just going to open a paint program. Okay, start button. यहाँ पे पेंट है नहीं है. आई विल टाइप ओवर हियर पेंट. पेंट विंडो विल ओपन नाउ. Here it is, paint window. Now I just draw one drawing. So as given in your book, one car is there. Okay, so how to draw a car? यहाँ पे कार का बेस हम किससे बनाएंगे? शेप टूल से. नाउ कलर फिल कर देते हैं. Now choose one color. Just put black here actually. Then color के लिए circle देते हैं. Circle में size थोड़ी बड़ी कर देते हैं. Now line to see यहाँ पे हमने push up यहाँ पे पतली सी line हमको चाहिए. तो one thin line. अभी देखो ये लाइन आड़ी टेढ़ी आ रही है, तो ये करने के लिए आपको क्या शिफ्ट प्रेस करना है. शिफ्ट से क्या हो जाएगा, लाइन सीधी आएगी. नाउ horizontal line will be this way. One more line. Okay. Now fill the color. Fill tool. ये red नहीं लग रहा है, यहाँ से edit कर लेते हैं red color. Okay. अगर आपको कलर यहाँ पे पैलेट पे नहीं मिल रहा था, एडिट कलर में जाके कलर चूज कर सकते हो. ठीक है, ओके. अगर इधर एक कलर. नाउ कलर में हम दूसरा कलर कर देते हैं. ओके
बिल्कुल ग्रीन कलर हो गई है। हाउ टू डिफर, पतली सी एक लाइन ले लेते हैं फिर हमको यहाँ पे पार्टीशन जैसा लगे, ठीक है। और इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे दरवाजे के लिए ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये साइज ले लेते हैं। Now it's done. So part is now done. अभी हमारे पास ये select tool है। ये select tool क्या है? ये rectangular selection। हम पूरा ये part select करके कहीं पे भी paste कर सकते हैं। New drawing में Control C तो वापस मुझे यहाँ पे कंट्रोल वी। अभी देखो सेम, ठीक है। अभी हमको देखना है रीसाइज। ये रीसाइज मतलब क्या कि जो भी हमने ड्रॉ किया है पिक्चर उसको रीसाइज करना। कि यहाँ पे परसेंटेज या फिर पिक्सल बाय कर सकते हो, हम परसेंटेज करेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल में 100% अभी है, लेकिन अगर मुझे उसे कम करना है मैं कर देती हूँ 50, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा। अभी स्क्यू मीन्स क्या कि डिग्री वाइज वो हॉरिजॉन्टली देखो स्ट्रेट होगा। हॉरिजॉन्टली हमको कितना यहाँ पे करना है, मैं कर देती हूँ 30 और वर्टिकली कर देते हैं 25, ठीक है। अभी दो चीज़ें हमने की है, अभी देखो जो भी हमने चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग हमारे ड्राइंग हो गई है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, वापस अपने जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये? वापस करते हैं रीसाइज। अभी मैं ये स्क्यू नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो इसकी साइज से कम होगी, उसको आधा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रीसाइज हो जाएगी, हो गई छोटी। अभी वापस इसको मुझे करना है रीसाइज। हो गया ये, मैंने 100 से ज्यादा कर दिया है। समझ में आया इतना बच्चों? अभी आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्यों आपको समझ में आई गया है तो जो हमारी ड्राइंग होगी इसको क्यों मीन्स डिग्री वाइज जो स्ट्रेच होगी, ठीक है। कि हॉरिजॉन्टल सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल पहले मैं करके दिखाती हूँ 50%। पाती तू रेकॉर्ड करती थी ते बद्दी पथारी फेर भी मारी। आपको रिसाइज समझ में आ गया होगा, ठीक है।
resize means Q and resize you understood now, okay? Now rotate. Rotate means क्या कि जो pictures हमने draw की है हमको rotate करनी है. Like left by 90, आपको left side कितनी करनी है, देखो यहाँ पे options है. पहले हम करते हैं right 90. The right means कौन सी side? देख लो. हो गया राइट साइड पे 90 मूव. नाउ हम अगेन राइट 90 करते हैं तो वो ग्रीन पोर्शन नीचे चला गया. अभी हमको ये ग्रीन वाला ऊपर लाना है, कार का ऊपर का पोर्शन. तो क्या करेंगे, रोटेट 180. तो हो गया सेम. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कैसे रोटेट करवाना है, उसके अकॉर्डिंग रोटेट 90 या रोटेट राइट 90 या लेफ्ट 90, दैट वी हैव टू डिसाइड. नाउ फ्लिप वर्टिकल. अभी जो भी पिक्चर है वो फ्लिप करेगी वर्टिकली. वर्टिकली मींस सीधा, मींस स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हो ना, स्टैंडिंग लाइन, फ्लिपिंग लाइन. तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है? देखो ये कैसे हुआ, जो ऊपर का पोर्शन हो नीचे ये वर्टिकली फ्लिप हुआ. अभी वापस हम कर देते हैं एज इट इज. अभी रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल. तो अभी क्या होगा, पहले ऊपर का नीचे होगा. अभी क्या होगा, ये साइड का पोर्शन आगे का पोर्शन पीछे की साइड पे हो जाएगा. देखो, ठीक है, समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वन मोर टूल इज देयर, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ अभी. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, कंट्रोल ए, मैं पूरा उसको सिलेक्ट कर देती हूँ एंड डिलीट. नाउ टेक्स्ट टूल, इफ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन योर ड्रॉइंग देन वी कैन यूज टेक्स्ट टूल. हाउ वी कैन यूज इट, आपको पहले टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ड्रैग कर देना है जितना पोर्शन आपको लिखना है. ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं इसको ज्यादा भी लिखूंगी तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा. देखो मैं ऐसे ही टाइप करके देखती हूँ. नाउ उसको इरेज कर देती हूँ, हम अच्छे से कुछ लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, ठीक है? और उसको साइज देखो, जैसे ही हमने टेक्स्ट टूल यूज किया यहाँ पे देखो, उसको अकॉर्डिंग सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए. अभी मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए ये हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो आप वो कर सकते हैं. मैं अभी ये कर लेती हूँ, ठीक है? अभी साइज मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए तो मैं उसको बड़ी कर लेती हूँ. बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक में थोड़े क्रॉस आएंगे, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी लिखोगे उसको अंडरलाइन है. और ये है स्ट्रिक थ्रू, तो वो कैसा होगा, बीच में जो लिखा होगा वहाँ पे लाइन आ जाएगी, ठीक है? अभी लिखते हैं कंप्यूटर, ठीक है? अभी उसको साइज बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो. सिलेक्ट करो उसको, साइज अभी भी आपको बड़ी चाहिए, मुझे 72 करनी है, मैंने कर दी, हो गया. अभी देखो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो साइज, ठीक है? समझ में आया आपको, आ गया ये टेक्स्ट टूल, आपको समझ में आ गया कि टेक्स्ट कैसे लिखनी है पेंट में, ठीक है? अभी जूम कैसे करना है पिक्चर को. अभी यहाँ पे एक और अवेलेबल है व्यू, ठीक है? यहाँ पे देखो जूम इन जूम आउट. जूम इन मींस क्या, यहाँ पे देखो प्लस एंड माइनस है. प्लस मींस बढ़ेगा, जूम इन मींस जो भी आपने लिखा वो थोड़ा बड़ा होगा. देखो ये बड़ा हो गया, स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहा, राइट? अभी मैं उसको वापस जूम आउट कर दूंगी, वो लेस हो जाएगा, ठीक है? नाउ तो ये क्या होगा, जूम द पिक्चर एंड जूम आउट मीन्स, जूम आउट मीन्स छोटा हो जाएगा एंड जूम इन मीन्स बड़ा होगा, ठीक है? तो थ्रू दिस टूल यू कैन जूम द पिक्चर, ओके? नाउ आफ्टर दिस हाउ वी विल सेव द ड्रॉइंग. तो पेंट बटन देन सेव, सेव पे क्लिक करना है. एक डायलॉग बॉक्स आएगा, अभी वन डायलॉग विल ओपन आया, अभी सेव.
अभी यहाँ पे हमको लिख देना है हमने क्या बनाया, कार। मैंने आगे भी एक कार बनाई थी तो मैं इसको कार वन, क्योंकि सेम नेम से वो सेव नहीं करेगा, तो मैं लिख दिया कार वन सेव। ठीक है, अभी ये कार वन से मेरी ड्राइंग सेव हो गई, मानो आपने सेव कर लिया। अभी न्यू ड्राइंग बनानी है तो आप कहाँ, यहाँ से पेंट बटन से ही न्यू ड्राइंग करनी है। पेंट बटन पे क्लिक करो और न्यू हो गया, न्यू पेज आपको मिल गया। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अभी और एक चीज, मानो आपको क्लोज, देखो आपको ये मिनिमाइज करना, मीन ये जैसे ही मिनिमाइज बटन है तो ये मुझे जैसे दो दो पेंट विंडो पे काम करना है तो मैं ये मिनिमाइज कर दूंगी, तो ये यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। अभी आई वॉन्ट टू ओपन ओल्ड, जो हमने कार वन सेव किया था वो ही ओपन करना है। मैं वापस पेंट प्रोग्राम के साथ फोन प्रोग्राम क्लोज कर दिया, लेकिन आप अगेन काम करने बैठे हो और उसमें ही आपको कुछ एडिशन करना है, तो पहले पेंट प्रोग्राम ओपन करेंगे। ओके, फिर आपको ओल्ड फाइल कैसे करनी है, पेंट बटन ओपन, ओपन पे क्लिक किया। अभी हमने कहाँ पे सेव करती थी फोन को याद रखना है। ठीक है, मैंने कार्बन लिखा था, देखो मेरी आगे की ड्राइंग सारी सेव है। तो आपको जो भी ड्राइंग ओपन करनी है, आगे मैंने ये स्माइली ड्रॉ किया था तो ये स्माइली ओपन में कर सकती हूँ यहाँ से। मीन्स जो भी फाइल आप ओपन करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, कैसे, पेंट ओपन या वट एवर यू वॉन्ट टू ओपन द फाइल सिलेक्ट करो हियर। बट आपको जब सेव करते हो तो यहाँ पे आपने कौन सा सिलेक्ट किया था, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स किया था, पिक्चर्स किया था, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कौन सा ड्राइव सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट वो पिक्चर्स आता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैंने यहाँ पे सेव किया। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। इफ एनीबडी हैविंग अ डाउट, और जब भी आप कुछ प्रैक्टिस करते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज छोड़ दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।